वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हैं सत्येंद्र सिंह ब्लॉग और इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी आज क्या हुआ दोस्तों कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो मैं सोचा कि एक बार चल के सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ में दिखला देते हैं। तो वही मैं आज आया था सदर हॉस्पिटल आजमगढ़, तो मैं वही दिखलाया डॉक्टर को, बट डॉक्टर आज थे नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज डॉक्टर वो नहीं थे जिनको हमें दिखलाना था, और तो डॉक्टर थे बट अनफॉर्चुनेटली वो जो डॉक्टर जिन्हें हमें हमारा अपॉइंटमेंट था जिनको दिखलाना था वो डॉक्टर नहीं थे। तो मैं दिखला नहीं पाया क्योंकि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, तो मैं सोचा कि एक बार दिखलाना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं आजमगढ़ आया था, और कोई ख़ास काम तो था नहीं दोस्तों, और काम भी नहीं मेरा हो पाया क्योंकि मुझे डॉक्टर को दिखलाना भी था, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गर्मी में जानते ही हैं गर्मी इतना है, और गर्मी में बहुत ही थोड़ा सा तबीयत को लेकर बहुत ही वो रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही मैं ध्यान देता हूँ अपनी तबीयत को देख लेकर। क्योंकि दोस्तों क्या है कि गर्मी में तबीयत अक्सर ही सभी लोगों की ख़राब हो जाती है, इवन यहाँ तक कि दोस्तों बहुत लोग गर्मी में मर गए हैं गर्मी में, तो क्योंकि पंखा कूलर और लाइट के अभाव में, एसी के अभाव में, भाई सभी लोगों के पास लाइट और पंखा कूलर तो रहता नहीं है दोस्तों, तो जिसके कारण बहुत लोग गरीब अमीर सब लोग रहते हैं, एवरेज हर तरह के लोग इस धरती पर हैं, तो बहुत लोग एसी में जो है एसी से निकल ही नहीं रहे, एसी में रहते हैं तो भाई वो तो बच जाएंगे, बट अगर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो जिसके पास कूलर पंखा और नहीं है, लाइट भी नहीं है, जो जो कि त्रिपाल में रहता है, तो वो कैसे रहेगा बताइए, वो कैसे जिएगा, तो भाई उसके लिए तो मुश्किल है जीना। तो वही है कि अगर इतनी 45 या 46 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हो जाएगा दोस्तों, तो आप ही बताइए कि कैसे कोई जिएगा। तो उसी में बहुत लोग गरीब लोग मरे हैं, और हॉस्पिटल में मैंने देखा सदर हॉस्पिटल में कि बहुत लोग की तबीयत ख़राब है जो कि एडमिट है। मैंने पूछा क्या बात है, तो भाई वही गर्मी के कारण, गर्मी इतनी हो थी वहाँ पे कि उन लोगों की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो यही बात है। तो दोस्तों फिर मैं वहाँ से आ गया, जो है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि दोस्तों मैं इधर से घूम लेता हूँ आ करके, तो एक जगह अच्छी जगह है वहाँ पर घूमने के लिए, मैं सोचा कि वहाँ पर आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं आया वहाँ पे, एक्चुअली क्या हुआ कि वहाँ पर पहले ये नदी मतलब तालाब था छोटा सा, तो और तालाब होने के कारण मैं इधर आता नहीं था अक्सर, बट अभी क्या हो गया कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है ये हो गया है, इसकी खुदाई हो गई है चारों तरफ से, पूरा इसमें पानी जो है सूख गया देख सकते हैं, तो जो कि अभी बारिश का सीज़न नहीं है, जुलाई अभी आया नहीं है, जुलाई लग जाएगा, तो दोस्तों मुझे लगता है कि जुलाई में पानी पूरा भर जाएगा, या फिर इसमें कहीं और से भी पानी भरेंगे, क्योंकि यह एक तालाब छोटा सा पोखरा टाइप का है जिसके चारों तरफ से ये हो गया देख सकते हैं आप, चारों तरफ से मिट्टी से बांध बनाया गया दोस्तों, तो यही है देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या कहें, आप लोग मस्त रहिए, और वीडियो पे जो लोग पहली बार आए हैं और इस चैनल पर जो है और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों अभी मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए लास्ट में एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जगह कैसी लगी आपको और वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।